आज हम लोग करेंगे क्लोजर कॉपी का डिटेल रिव्यू फॉर 2023। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी यहां पर मैं डिजिटल टूल्स, ब्लॉगिंग एआई राइटर्स के बारे में बात करता रहता हूं आज हम लोग करने वाले डिटेल्ड रिव्यू क्लोजर कॉपी का जो कि एक काफी पॉपुलर ए आई राइटिंग टूल है स्पेशली फॉर लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि इसके बारे में बताओ तो आज हम लोग इसका रिव्यू करेंगे देखेंगे कि किसको ये लेना चाहिए क्या इसके प्रोज है क्या इसके कौन से और क्या ये एक्चुअल में वर्थ इट है भी कि नहीं उसके बारे में सब कुछ ए टू जेड आज के इस वीडियो में सो so, जो मेरे पास क्लोजर कॉपी का प्लान है वो है इनका लाइफ टाइम सुपर पावर सोलो प्लान जहां पर मेरे पास अनलिमिटेड ए आई राइटिंग है एसईओ ऑडिट्स है अनलिमिटेड अपडेट्स है तो मेरे पास लगभग सारे ही फीचर्स हैं शुरुआत करते हैं इसके यूआई से जैसे ही आप लोग क्लोजर कॉपी ओपन करोगे कुछ इस तरह के आपको यूआई देखने को मिलेगी जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन यू कैन स्विच टू डार्क मोड फ्रॉम हि ये डार्क मोड आ गया एंड ये लाइट मोड आ गया एंड देन प्रोजेक्ट के अंदर हम हम लोग हमारी फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट बनाया है लेट्स क्लिक ओपन एंड ये कुछ मैंने यहाँ पे फाइल्स वगैरह क्रिएट करी है लेट्स क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट एंड डेमो वीडियो डॉक ठीक है सेव एंड इसके अंदर जा कर के हमारे जितने भी सारा ए आई राइटिंग का काम है वो इसके अंदर हो सकता है एंड उसके लिए यहाँ पर ये यह लेफ्ट में दिख जाएगा आपको एस सी ओ ऑडिट के लिए दिस इज़ फॉर लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट एंड फ्रेमवर्क मतलब यूज केसेस हो गए यहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड ये जितने भी यूज केसेज है दिज ऑल आर यूज केसेज इंटरफेसेज का कॉम्प्लिकेटेड है इट्स नॉट वन ऑफ द इजिएस्ट इंटरफेस आउट बहुत सारे फीचर्स है एस सी ऑडिट लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट फ्रेमवर्कस तो मैं आपको एकदम आसान भाषा में सिंपल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वर्क फ्लोज इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन ड्राफ्ट इन साइट्स ठीक है बेसिक चीज़ें यहाँ पे देख के रखिए अगेन यहाँ से हम लोग थीम को स्विच कर सकते हैं The dark theme and again black theme, light theme. Okay. And then ऊपर हमारे पास बेसिक एडिटिंग के options हैं। यहाँ पर आपको आउटलाइन दिख जाती है जैसे अगर मैं पे कुछ हेडिंग्स वगैरह डालूंगा तो दिस विल कम अंडर आउटलाइन ये आउटलाइन हो गई हेडिंग three, H3. थ्री तो इस तरीके से यहाँ पर आउटलाइन ये बन जाती है एंड देन नीचे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको जो इनके कुछ मॉडल्स देखने को मिलते हैं इनके एआई मॉडल्स इन्होंने यहाँ पे तीन एआई मॉडल्स बनाए हैं सेल्स ए आई अगर आपको यहाँ पे सेल्स के पेज लिखने आर्ट्स लिखने हैं उसके लिए है ब्लॉग ए आई अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखना है या फिर प्रेस रिलीजे उसके लिए ब्लॉग ए आई और स्टोरी के लिए एक स्टोरी ए आई भी है सो so, ये था इसका यूजर इंटरफेस अब हम लोग बात करते हैं इसके फ्रेमवर्कस के बारे में यूज केसेस के बारे में तो लेट्स गो स्ट्रेट टू द फ्रेम ये रहे इसके फ्रेम के लिए आपको जाना पड़ेगा लाइब्रेरी में एंड लाइब्रेरी में यू कैन फाइंड डिफरेंट यूज केसेस ये यूज केसेस है यूज केसेस को ये लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं लेट्स स्टार्ट विद एड्स आर्ट्स में हमारे पास ए आई डी ए है और डिफरेंट एड्स के फॉर्मेट्स हैं लेट्स गो विट ए आई डी एंड वन पासवर्ड के बारे में यहाँ पे लिखा है वन पासवर्ड ठीक है राइट फॉर मी क्रिएटिविटी लेवल यहाँ से सेट कर सकते हैं हमें कितना क्रिएटिव चाहिए लेट्स मतलब सेवेंटी इज गुड इनफ ताकि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव में बहुत बार कचरा भी कर देता है तो एकदम इसको हाई पे भी नहीं रखना है हमें लेट्स क्लिक राइट फॉर मी एंड देन यहाँ पे हिस्ट्री भी है कि यहाँ पे कितनी बार ए आई डी ए रन किया गया है एंड देन कौन कौन से टेक्स क्ले रन किया गया लेट्स क्लिक राइट फॉर मी एंड देन यहाँ पे टाइम आ जाता है ऊपर कितना टाइम लेगा ये so, तो इस वन पासवर्ड डिस्क्रिप्शन से इसने मुझे कुछ इस तरह का ए आई डी ए दे दिया है अटेंशन लुकिंग फॉर अ पासवर्ड मैनेजर इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से क्रैप करना है ऑटोमेटिकली फिल एंड यू कैन सेव टाइम डिजायर डोंट लेट अदर्स सी ठीक है गेट स्टार्टेड विद वन पासवर्ड ऑनलाइन नाइस वन पासवर्ड ठीक है गेट दिस आउट क्लेम योर फ्री डाउनलोड ऑफ वन पासवर्ड बिफोर दिस सेल आउट अच्छा है ठीक है तो एआईडीए में इसने अच्छा परफॉर्म किया है एंड इसमें बहुत सारे और भी यूज केसेस हैं ये सभी यूज़ केसेस मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट यूज़ केसेस है वो आपको डिटेल में मेरे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे तो आप लोग वो वाला ब्लॉग जाके पढ़ लीजिएगा वहाँ पे ये सारे मेजॉरिटी जितने भी मोस्ट पॉपुलर यूज केसेस है उन सब के यूज केसेस आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल के साथ में तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टूल या इसका और डिटेल रिव्यू चाहिए तो वो आपको हमारे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएगा देन तो आज के बाद लेट्स गो टू ब्लॉग्स ब्लॉग्स वाले जितने भी मैं लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट में आपको बता दूंगा यही सारी चीज़ें आपको लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट में ही मिलती है एंड बेसिकली शॉर्ट को इन्होंने मर्ज करके एक लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट एडिटर बना दिया है उसके बारे में आगे बात करूँगा ब्लॉग्स रेसिपी सेम ही रेसिपी वाला ब्लॉग है तो उसके लिए है ये एंड बिजनेस बिजनेस में हमारे पास है इंटरव्यू क्वेश्चन ठीक है ये चीज़ अच्छी लगी अगर मुझे टेक्निकल कंटेंट राइटर चाहिए तो मुझे उससे क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछने चाहिए ये कुछ नया है बहुत सारे मैंने एआई टूल्स में नहीं देखा है तो ये कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं वाई डू यू वांट टू वर्क एंड काफी एवरेज से क्वेश्चन है दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड है बहुत ही एवरेज आउटपुट है मतलब गूगल करूंगा मुझे तो उससे अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे नेक्स्ट इज कोर्सेज ठीक है अगर मुझे कोर्स बनाना है कोर्स की एक आउटलाइन लेट्स क्रिएट की यार मुझे अगर कोर्स बनाना है हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट के ऊपर आई वॉन्ट टू टीच पीपल कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट तो यह आ गया है उसके एक आउट तो ये कि रफ आउटलाइन आ गई है कि वेबसाइट बना होती है डोमिन लो वर्ड एंड ठीक है मतलब डिसेंट सा है हाँ तो मतलब आप तीन चार को पढ़ करके एक रफ आउटलाइन बना ही सकते हो देन लेट्स गो बैक अगेन टू लाइब्रेरी वी हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सेस ई मेल्स ई मेल्स में लेट्स क्लिक ऑन सब्जेक्ट लाइन्स ठीक है सब्जेक्ट लाइन्स इसकी अच्छी थी मतलब ठीक है बेसिक से आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लाइन पर मैं जाता हूँ एंड न्यू एंटी एजिंग क्रीम ऑन सो ये सब्जेक्ट लाइन्स आ गई हैं हैव यू ट्राइड इट 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 वॉज रिकमेंडेड दिस माई फ्रेंड हु रेव्ड अबाउट इट अच्छा है सब्जेक्ट लाइन्स आर गुड यू कैन यूज दिस सब्जेक्ट लाइन्स देन वी हैव लैंडिंग पेजेस अगर आपको लैंडिंग पेजेस बनाने हैं तो सिर्फ उसमें हेडलाइन ही है बस बाकी सब कहाँ हैं <laughs> तो ये थोड़ा कम लगा है मुझे मिसलिनियस में वी हैव हेल्पफुल टिप्स मिथ्स अबाउट दैन पॉडकास्ट में कैची नेम्स एपिसोड्स कैची नेम्स पे क्लिक करते हैं डिजिटल टूल्स के बारे में मेरी पॉडकास्ट रहेगी लेट्स फाइंड सम नेम्स ये इसने कुछ नेम्स सजेस्ट कर दिए हैं एंड डिसेंट रिजल्ट आर डिसेंट Next uh, press releases, products, questions, answers, reviews, SEO. Let's look at SEO. SEO may we have titles and meta descriptions. Then social, social may Instagram bio, emotional. Let's see what we have. Instagram bio, right? And Instagram feeling. I am a fashion model. My dream is to be a professional fashion model. I want to be my hair looks good. I'm so sorry. <laughs> ठीक है तो यहाँ पे एक एवरेज सा मिला है मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद से और कुछ लिखना पड़ेगा इंस्टाग्राम बायो के लिए लिंक इन बायो हास्टैग कैप्शन लेट्स क्लिक ऑन एंड स्पेंडिंग टाइम इज नेचर ठीक है राइट फॉर मी तो यहाँ पर एक जो भी आपके माइंड में एक रफ कैप्शन रहता है आपकी मीडिया और सोशल मीडिया इमेज के लिए वो लिख लो एंड देन यहाँ पर आपको एक प्रोफेशनल मिल जाता है इफ़ यू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर देन यू लिव इन सिटी ठीक है सोशल मीडिया टूल्स इसके अच्छे लगे मुझे और इसके एग्जाम्पल्स आपको हमारे ब्लॉग के ऊपर मिल जाएंगे तो मेक श्योर यू रीड दैट आउट देन अलग आ, उसके बाद है टूल्स टूल्स में एक एक्सप्लेन वाला फीचर है एक्सप्लेन इस कोई भी एक टॉपिक डाल दो एंड इट विल एक्सप्लेन यू इन अ गुड मानर तो यहाँ पर ब्लॉक चेन डाला है हमने देन ये आ गया ब्लॉक चेन का टॉपिक वी कान ट्रस्ट अदर पीपल यू माइट थिंक अच्छा है लाइक इट लुक्स गुड ब्लॉक चेन इज एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ठीक है ये वाला डिसेंट है मैंने इनसे यहाँ से आपको तीन चार आइडियाज़ मिल जाएंगे एंड देन उन तीन चार आइडियाज़ को आप लोग मर्ज करके अपना वो टॉपिक लिख सकते हो अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसने नेक्स्ट इज रिफ्रेस लेट्स क्लिक ऑन रिफ्रेस ठीक है राइट फॉर मी इसने बेसिकली वही चीज़ वही चीज़ मुझे दे दी है कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे री नहीं हुआ है इट वॉज़ वेरी एवरेज इम्प्रूव टूल अगर आपको अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए लिख सकते हैं जैसे अब मैंने वही सेम सेंटेंस यहाँ पे डाला है लेट्स सी वर्ड This tool suggests, I think it's average at best. Means word hero और राइट sonic improved tool और content rewriting में काफ़ी अच्छा perform कर रहे हैं compared to this one. सो so, ओवरऑल जितने भी मैंने यूज केसेस ट्राई करे हैं अभी तक मुझे काफ़ी एवरेज सा रिज़ल्ट मिला है सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग के लिए अच्छे हैं बट बहुत सारी चीज़ों में मुझे एवरेज भी यहाँ पे results मिले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर दैट दे हैव इज एस audit. Let's go ऑडिट लेट्स गो टू एस एंड देन मेरी सर्च कर यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ या, पे डाल देता हूँ मैं बेस्ट होस्टिंग ये मेरा यूएस का है इंग्लिश ऑडिट सर्च ठीक है यहाँ पे ये सर्च रिजल्ट आ गए कि कितने रिजल्ट मुझे यहाँ से चाहिए तो बेस्ट होस्टिंग में यहाँ पे टेन वेबसाइट जिसने मुझे ढूंढ के दे दी अब मुझे कौन कौन सी वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए वो मैं यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करूँगा वो ये लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं ओके तो अभी मुझे कुछ की सजेस्ट करेगा एंड एस सी ऑडिट के लिए राइटर्स इन राइटर्स इन न्यूरॉन राइटर न्यूरोन राइटर काफ़ी अच्छा है मार्केट न्यूज़ काफ़ी अच्छा है फ्रेज अच्छा है इन सबका मैंने यूज़ किया है मैं ज़्यादातर अभी फिलहाल एट प्रेजेंट मार्केट न्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ फ्रेज यूज़ कर रहा हूँ सर्फर ए सी ओ पे मैं शिफ्ट करने वाला हूँ फॉर एस सी ओ ऑडिट एंड ऑल दिस थिंग ऑल दिस पर्पज तो सर्फर ए सी ओ का भी आपको रिव्यू मिल जाएगा तो इसने ये कुछ सजेशनस दिए हैं मुझे वर्ड्स हेडिंग्स पैराग्राफ्स इमेजेस कितनी होनी चाहिए एंड वर्ड्स इसके हिसाब से अराउंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है वर्ड्स ये सब तो मुझे सही लग रहा है बट जो इसने मुझे सजेशन्स दिए हैं ये एवरेज से हैं <laughs> बहुत ज़्यादा इस पर मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज़्यादा एलगोरिदम्स रन करे गए हैं जैसे फ्री डोमेन लोड टाइम ओपन स्टैप ओपन स्टैप को मैं बारह सत्रह बार लिखूँ क्यों होस्टिंग ऑप्शन ठीक है होस्टिंग प्रोवाइडर ठीक है एंड देन टैब रिनी तो बहुत सारे वन वर्ड देखे रखें जो वन वर्ड इतने अच्छे मतलब रेलिमेंट नहीं लग रहे हैं मुझे टू वर्ड्स हैं थ्री वर्ड्स हैं फोर वर्ड्स लेट्स क्लिक ऑन दिस फोर वर्ड्स के भी ऑप्शन हैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है ठीक है अगर कोई टूल नहीं है तो इसका यूज़ कर सकते हो अब हम लोग बात करते हैं इसके सबसे पॉपुलर और मोस्ट रिकमेंडेड फीचर की वो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट तो हम लोग जाते हैं ऐसी ऑडिट देख लिया दिस इज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन रहते हैं डायरेक्टेड फ्री स्टाइल एंड देन यूजिंग एआई टूल्स सबसे पहले एआई टूल्स की हम लोग बात करते हैं ए टूल्स से आपको कैसे जनरेट करना है सबसे पहले यहाँ पर आएगा हमारा टाइटल तो जो मुझे आर्टिकल चाहिए उसका मैं लिख रहा हूँ हाउ टू प्लान बजट ट्रैवल सबसे पहले मुझे इसकी एक ब्रीफ जनरेट करनी पड़ेगी ब्रीफ जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन ब्रीफ तो यहाँ पर ये यह मेरी ब्रीफ जनरेट हो गई है मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा कॉपी भी कर दूंगा एंड देन इस ब्रीफ को ऐड करना है यहाँ पर तो इस ब्रीफ के बेसिस पे और जो यहाँ से मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा उसके बेसिस पे ये सारे जो ए आई टूल्स है वो रन करेंगे तो सबसे पहले मैं इसकी एक हेडिंग जनरेट कर लेता हूँ हेडिंग सेलेक्ट करना है मुझे वर्ड्स ठीक है मैंने वाले वर्ड सेलेक्ट किए लेट्स क्लिक ऑन हेडिंग तो ये इसने मुझे कुछ हेडिंग्स दे दिए है जो कि एवरेज है तो मैं यहाँ पर सिंपली अपनी हेडिंग रख दूंगा हाउ टू plan a budget travel ये मेरी हेडिंग हो गई अब मुझे इसका इंट्रो चाहिए तो एल क्लिक ऑन दिस एल क्लिक ऑन इंट्रो तो ये इसने मुझे यहाँ पे इंट्रो दे दिया है प्लानिंग बजट ट्रैवल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ठीक है तो ये वाला इंट्रो मुझे ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगा दिस इज माय इंट्रो ये वाली ब्रीफ को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए एंड देन नेक्स्ट इज आई नीड टू क्रिएट एन आउटलाइन तो मैं अगेन अपने हेडिंग सेलेक्ट करूंगा एल क्लिक ऑन आउटलाइन तो इसने मुझे ये एक आउटलाइन दे दी है काफ़ी बड़ी सी एंड नॉट एवरी वन ऑफ देम इज़ रेलिवेंट फॉर एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड अ होटल दैट्स चीप बट गुड हाउ टू फाइंड अ होटल दैट्स चीप बट नॉट ग्रेट तो ये सारी जो हेडिंग्स दी है इट इज़ नॉट रेलिवेंट एग्जैक्टली तो मैंने एट प्रजेंट कुछ ये हेडिंग्स ले लिए हैं इट्स नॉट द बेस्ट हेडिंग्स लेकिन ठीक है लेट्स वर्क फॉर वर्क ऑन इट और इससे पहले मैं पे और कंटेंट जनरेट करूँगा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनके यहाँ पे तीन ए आई मॉडल्स है सेल्स ए आई ब्लॉग ए आई तो अब मैं यहाँ पे ब्लॉग ए आई पे स्विच कर रहा हूँगा क्योंकि अब मुझे इससे ब्लॉग्स लिखना है तो लेट्स क्लिक ऑन दिस हेडिंग हाउ टू फाइंड चीप फ्लाइट्स दिस इज गोइंग टू मै एस टू इस पर मैं जाता हूँ एंड देन आई अगेन गो टू ए आई टूल्स अब मुझे यहाँ पर क्लिक करना है एक्सप्लेन के ऊपर तो ये मेरे पास आ गया है इसका आउटपुट यू कैन यूज साइट लाइक काय डॉट कॉम टू फाइंड चीप फ्लाइट्स दिस इज नाइस लेकिन ये सिर्फ एक लाइन है आई आई नीड मोर देन दैट टू सर्च एंड फाइन द चीपेस्ट फ्लाइट यूजिंग द सर्च रिजल्ट ठीक है एयरलाइन यू कैन यूज एन एयरलाइन सर्च इंजन टू सी ट्रिपल ठीक है ये भी अच्छा है आई 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 तो सेलेक्ट दिस क्लिक ऑन एक्सपैंड सी इफ दिस कैन एक्सपैंड इट तो इसने मुझे एक्सपैंड करके ये दे दिया है सेवरल डेट्स एंड टाइम्स यू मे बी एबल टू परचेज टिकट्स और कंसिडर गेटिंग अ पेट इसका कोई सेंस नहीं बनता है और ए आई यही करती है तो आपको ऐसे प्रूफ रीड करना पड़ेगा जो इसने मुझे एक टिप सही लगी है वो ये है गेटिंग ए इंटरनेशनल फोन कार्ड वेन यू आर ट्रैवलिंग ओवरसीज ठीक है इट मेक सेंस कि आप लोग वहां की सिम लो ई सिम लो जो भी है बट ये इससे रिलेटेड नहीं है तो जो इसने मुझे रिजल्ट रेज, दिया है वो एग्जैक्टली इससे रेलिवेंट नहीं है एंड वो आई डोंट थिंक सो दैट्स गुड थिंग फिर एक और यहाँ पर अभी मैं आपको करके बताता हूँ लेट्स क्लिक लेट्स लेट्स दिस क्लिक एक्सप्लेन ठीक है अभी इसने मुझे यहाँ पर दे दिया है तो अब यहाँ पर एक आ गया है पहली टिप इसमें हो सकती है कि जो होटल फ्री ब्रेकफास्ट ऑफर करें वहाँ पर मत लो सेपरेटली होटल लो जहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिले बट यू कैन गो फ्रॉम आउटसाइड तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एंड देन चीप अकोमोडेशन ट्रा हॉस्टल और डॉम रूम ये भी एक अच्छा हो सकता है तो यहाँ पर तीन चार मुझे मिल जाएंगे एंड देन तीनों चारों को मुझे यहाँ पर मैनुअली कंबाइन uh, करना पड़ेगा ये बस मुझे एक रफ आइडियाज़ दे रहा है मेरा रिसर्च प्रोसेस है उसको थोड़ा कम कर रहा है ये और बहुत सारी ये चीज़ें फालतू भी दे रहा है simple, to, know, <laughs> तो इस तरीके से वाला टूल वर्क करता है आपको यहाँ पे सारा मैनुअली करना पड़ेगा तभी जा करके आपको एक अच्छा लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट मिलेगा तो इट विल टेक टाइम ऐसा नहीं है कि आपने डाल दिया और मिल जाएगा लेकिन उसका भी इन्होंने ऑप्शन दिया है इफ़ यू वॉन्ट टू डू दैट उसके लिए हम लोग जाते हैं राइट पे यहाँ पर आपको ब्रीफ डाल देनी है लेट्स क्लिक ऑन डायरेक्टेड ब्रीफ डाल देना एंड देन टॉकिंग पॉइंट्स डाल देना तो मैं ब्रीफ अपनी कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे डाली थी दिस वॉज माई ब्रीफ टॉकिंग पॉइंट्स में मुझे क्या क्या चाहिए था हाउ टू फाइंड चीप फ्लाइट्स एंड देन हाउ टू फाइंड चीप अकोमोडेशन्स एंड cheap cheap food, cheap car rental. Let's click on this. ठीक है इसके इससे ज्यादा मैं नहीं डाल सकता हूँ एट प्रेजेंट एंड जो मैक्सिमम मैं वर्ड्स यहाँ पे डाल सकता हूँ वो आएंगे मुझे आउटपुट में वो रहेंगे टू हंड्रेड वर्ड्स दैट्स एड तो 200 हंड्रेड वर्ड्स का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कैसे बनेगा मुझे नहीं पता टू हंड्रेड वर्ड्स लॉन्ग फॉर्म में आते भी है कि नहीं आते भी लेकिन इनके हिसाब से आते हैं लॉन्ग फॉर्म में दे आर गिविंग मी टू वर्ड्स तो यहाँ पर मैं कुछ ये सारा कॉन्टेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ एन दन क्लिक राइट फॉर मी डायरेक्टेड लॉन्ग फॉर्म में मुझे ये मिल गया है एंड इट इज एवरेज ठीक है लाइक इसको भी मुझे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा अच्छे से लिखना पड़ेगा ये सब इसमें मुझे पैराग्राफ्स दिए हैं दिस इज़ नॉट एन आर्टिकल इसको मैं डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर सकता हूँ इसमें मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो एवरेज है इसके बाद फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल पर भी अगेन सिर्फ दो हंड्रेड टू हंड्रेड वर्ड्स ही है अगेन मैं पूरा सेलेक्ट कर लूंगा और फ्री स्टाइल पर मुझे ये दोनों चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं करनी है लेट्स लाइट्स राइट फॉर मी फ्री स्टाइल पर यह आ गया है हाउ टू प्लान अ बजट ट्रैवल स्टेप्स डिटरमाइन योर डेस्टिनेशन चूज योर अकोमोडेशन होटल ए आ बी एन बी वाई फाई फाइंड ऑफ फ्लाइट टू फ्लाई डोमेस्टिकली डोमेस्टिक फ्लाइट्स के आन बी मोर हाँ ठीक है पता ये नहीं तो सबको पता है डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैन अन भी मोर इकनॉमिकल ठीक है राइट फ्लाइट ऑप्शन हाउ टू प्लान अ बजट वेकेशन एन बी ठीक है ट्रैवल क्रेडिट कार्ड सो इन माय एक्सपीरियंस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जो डायरेक्टेड और फ्री स्टाइल है उसके आउटपुट तो मुझे काफ़ी एवरेज से मिले हैं ए टूल्स के फिर भी डिसेंट है बट आई बिलीव इट्स नॉट द बेस्ट वन आउट राइट सॉनिक और वर्ल्ड हीरो के मुझे थोड़े और ज़्यादा बेटर मिले थे सो लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट की भी परफॉर्मेंस मेरे एक्सपीरियंस में एवरेज सी रही है इससे पहले मैं प्राइसिंग के बारे में बात करूं। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि क्लोजर कॉपी ने मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है जो भी मैं बोल रहा हूं मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन से हालांकि अगर आप लोग मेरे नीचे दिए नीचे दिए गए लिंक से परचेस करोगे तो आई विल गेट अ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से कोई भी सॉफ्टवेयर खरीद सकते हो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी इनफैक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ही मिलेंगे प्राइजिंग के बारे में बात करूं तो एट प्रेजेंट इनकी एक लाइफ टाइम डील भी चल रही है उसका लिंक अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा जहां पर आपको 297 में अनलिमिटेड एआई राइटिंग अनलिमिटेड ए सी ऑडिट्स अनलिमिटेड अपडेट्स मतलब जो भी यहां पर नई अपडेट्स होगी वो भी आपको मिल जाएगी तो मेरे पास एट प्रेजेंट यही वाला प्लान है देन दे हैव पावर प्लान थ्री में लाइफ टाइम डील है लेकिन इसमें सिर्फ थ्री हंड्रेड ए आई रनस रहेंगे पर मंथ एस फिफ्टी ए सी ऑडिट्स रहेंगे और लिमिटेड अपडेट्स रहेंगे लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या फ़र्क है ये एट प्रेजेंट क्लियर नहीं है मुझे और सुपर पावर है इनके पास 497 का इसमें थ्री सीट्स रहेगी तो आप लोग दो टीम मेंबर्स और ऐड कर सकते हो रिफंड पॉलिसी की बात करूँ तो 14 डे की आपको रिफंड पॉलिसी मिल जाती है अब इससे पहले मैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ अगर अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा कुछ प्रोज के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड वर्ड्स के ऑप्शन मिल जाते हैं अनलिमिटेड लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट का यूज कर सकते हो एंड देन जो सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग के टूल्स हैं दोज आर गुड और जो लॉन्ग फॉर्म में ए टूल्स हैं वो भी अच्छे हैं मतलब डिसेंट है कॉन्स की बात करी जाए तो मोस्टली मुझे यहाँ पे एवरेज आउटपुट देखने को मिला है बहुत अच्छा आउटपुट नहीं मिला है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इंटरफेस वाइज भी एंड यूजेज वाइज भी नाउ कमिंग ऑन टू द बॉटम लाइन आई फील क्लोजर कॉपी ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में इंसर्ट कर दी है एस जी ओडिट ए आई कॉन्टेंट जनरेशन लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट प्रॉब्लम ये है कि तीनों चीज़ें एवरेज ही है ऐसा नहीं कि कोई भी टूल यहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा हो इट इज़ लाइक बिलो एवरेज भी है था बहुत सारे केसेस में मुझे कहीं कहीं पे ग्लिचेस भी देखने को मिले हैं सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग के टूल्स अच्छे हैं लॉन्ग फॉर्म में एआई टूल्स अच्छे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट द होल टूल इज एवरेज एंड इन माय ओपिनियन यू शुड स्किप दिस वन और राइट सोनिक की तरफ जा सकते हो वर्ड हीरो की तरफ जा सकते हो मैंने तो इसकी लाइफ टाइम ले ली है अब मैं रिफंड भी नहीं करा सकता हूँ मैं रिफंड पीरियड के बाहर हो गया हूँ तो शायद से इस रिव्यू के थ्रू मैं आप लोगों के पैसे बचा लूँ एंड आई बिलीव देयर आर बेटर ऑप्शन आउट देयर सो दैट इज इट फॉर दिस वन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्सअ दे देना और ऑनेस्ट रिव्यू के लिए एंड कुछ और टूल परचेस करना हो तो सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अलॉग विद डिस्काउंट कूपन कोड्स रिव्यूज भी हैं सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुछ क्वेश्चन हो नीचे काउंट में पूछ सकते हो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन गुड बाय